नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल के रेलवे ट्रैक की ये तस्वीरें हैं जहां पर बेहद ही हैरत अंगेज मामला सामने आया है, हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है और वाकई में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक 6 महीने का लड़का यहां पर मिला है इस ट्रैक के पास, रेलवे ट्रैक के पास, बंद कट्टे के अंदर लाइनों के पास। आपको मैं बताना चाहूंगी कि एक बच्चे का शव मिला है। अब सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि एक बेटे को आखिर कोई कैसे फेंक सकता है? क्या यह काम खुद उस बच्चे के माता पिता ने किया है या फिर किसी और ने बच्चे को मारकर यहां पर गिराया? अपने आप में कई सवाल खड़े होते हैं। दूसरा बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या बच्चे को ट्रेन के अंदर से कट्टे में डालकर फेंक दिया गया है? अपने आप में हैरान कर देने वाला मामला। आप देख सकते हैं जीआरपी पुलिस मौके पर है, फोरेंसिक टीमें कुछ ही देर में मौके पर पहुंचेंगी और ऐसे में बच्चा यहीं पर है, उसी कट्टे के ऊपर बच्चे को फिलहाल रखवाया गया है। सर क्या क्या मामला है सर, क्या जानकारी है? ये जो किलोमीटर है ना 116 का 31 जी भाई, वहाँ एक कट्टे में डेड बॉडी है जी। तो सूचना पे आके हमने देखा, खोल के देखा तो बच्चा मिला इसके अंदर। ये सर बच्चा है, बेटा है सर। हाँ, लड़का है। तो क्या अनुमान लगाया जा रहा है सर, ट्रैक के पास है तो कैसे फेंका गया होगा? कट्टे में बिल्कुल बंद था? बंद था बिल्कुल ही, कट्टे में बिल्कुल बंद किया हुआ, बंद किया हुआ था। मार के फेंका गया। बच्चे के साथ में? हाँ, छोटे सारे कपड़े हैं सारा। बच्चा हमने देखा, डायपर वगैरह भी बच्चे का लगा हुआ है, कपड़े वगैरह भी सब पहना, बिल्कुल बिल्कुल सब लगे हुए। सर क्या किया जाएगा? आस पास गाँव लगते हैं, हो सकता है किसी ने जानबूझ कर फेंका हो। इसी करके बताया भाई, थोड़ा गांव वाले बुलाए हैं, पता किया है कहीं से इसकी जानकारी मिले। कौन सा गांव है ये? बजिदा जटा पड़ता है यहां से लगभग 3 किलोमीटर दूर। हाँ बुलाई है वो भी। आपका क्या नाम है? सुरेंद्र कुमार जी, क्या कार्रवाई बनती है क्योंकि अपने आप में एक बड़ा ही हैरान कर देने वाला मामला है। हम अक्सर मामले देखते हैं कि छोटी बच्चियां होती हैं जिन्हें फेंक दिया जाता है, कहीं पर भी फेंक दिया जाता है, झाड़ियों में फेंक दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर तो एक बेटा है जिन्हें पहली बार ही शायद ऐसा कोई मामला देखा। ये ओपन में रखा है ये, अगर कहीं ऐसी बात होती है तो बराबर में जंगल है उसमें फेंक सकते थे, आसपास में फेंक सकते थे, लेकिन ये तो ओपन में रखा है बिल्कुल ही सामने। तो बच्चे की हालत देखकर क्या लग रहा है, कितनी पुरानी बॉडी है यानी कब मारा गया होगा? लगभग 10 से 12 घंटे की लग रही है, 10 से 12 जो देखने में लग रही है। आज ही का मामला है, फोरेंसिक टीमें थोड़ी देर में पहुंची। हां अभी बुलाई है वो भी, फोरेंसिक टीमें कुछ ही देर में मौके पर पहुंचेगी। वाकई में हैरत अंगेज मामला है और आप देख सकते हैं बजिदा जटान जो आसपास का गांव लगता है वहां पर, और आसपास गांव में भी पूछताछ की जाएगी और उसके बाद फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंचेंगी और उसके बाद ही ज्यादा जानकारी मिल पाएगी। लेकिन ऐसे में आप देख सकते हैं जीआरपी पुलिस जरूर मौके पर पहुंची हुई है। 6 महीने का छोटा सा मासूम सा बच्चा, क्योंकि पुलिस ने बताया कि अभी बच्चे के दांत भी नहीं आए थे, बच्चे के अभी दूध के दांत भी नहीं आए थे, और ऐसे में रेलवे ट्रैक पर बच्चे को फेंक देना कितना बड़ा मामला था और जिस तरीके से कट्टे में बंद किया हुआ था बच्चे को, उससे ये पूरा अंदाजा लगाया जा रहा है कि बच्चे की पहले हत्या की गई, यानी कि बच्चे को पहले मारा गया और उसके बाद ही बच्चे को रेलवे ट्रैक के पास फेंक दिया जाता है। सर रेलवे ट्रैक के पास से क्या लगता है, ट्रेन से फेंका गया हो सकता है? अगर बोली अभी देखो आगे क्या रास्ता निकलता है इसका, देखते हैं। हाँ हो सकता है कोई दूर का हो व्यक्ति या फिर कोई दूर की हो माँ, हो सकता है खुद के माता पिता हो। वैसे तो सर बहुत कम ऐसा होता है कि माता पिता अपने बच्चे को मार दे, लग नहीं रहा उस हिसाब से। बाकी क्या रास्ता मिलता है देखते हैं, अभी टीमें बुलाई है तो मुश्किलें आने वाली है क्योंकि छोटे बच्चे का मामला है। बिल्कुल छोटा बच्चा है। हाँ जी, हाँ जी, क्या कार्रवाई हिसाब से? तो आप देख सकते हैं कि जीआरपी पुलिस है मौके पर पहुंची हुई और यही वो ट्रैक है। बच्चे के कपड़े वगैरह भी आसपास हैं, बच्चे के कपड़े वगैरह भी आसपास हैं और ऐसे में बच्चे के बारे में यही है कि दूध के दांत भी नहीं है। सर बच्चे के दूध के दांत भी नहीं है, आपने बच्चे को देखा हो, यानी बच्चे की अभी जो एज है कुछ महीने की है वो? हाँ 5-6 महीने की लग रही है, 5-6 महीने की है। बच्चे के दूध के दांत भी नहीं आए? नहीं आए, नहीं अभी, बहुत छोटा बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा। सर बेटियों के साथ अक्सर ऐसे मामले देखे जाते हैं, कई बार माता पिता को बेटियां नहीं चाहिए होती तो वो ऐसे फेंक देते हैं, बेटे का तो शायद पहली बार ऐसा मैं मामला देख पा रही हूँ। मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ, कोई रंजिशन मामला हो सकता है, बेटे को फेंक दे? नहीं, रंजिशन भी हो सकता है, रंजिशन भी हो सकता है जी। 99% रंजिशन ही मिलेगा।
जाएगा कि किसी और का बच्चा फेंक देना, किसी और का बच्चा मार देना। जी जी जी, बहुत सारे मामले हो सकते हैं सर। जी जी जी, बहुत सारे मामले यानी हो सकता है, इसमें कई खुलासे हो सकते हैं। लेकिन ऐसे में जो सर हैं उनका भी यही कहना है कि रंजिशन हो सकता है, कि रंजिशन किसी के बच्चे को ऐसे पहले या तो हो सकता है उठाया गया हो, उस बच्चे का अपहरण किया गया हो और फिर उसके बाद उसे मार कर फेंक दिया गया हो। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। कुछ ही देर में फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंचेंगी और उसके बाद ही बच्चे का शव यहां से लेकर जाया जाएगा, मर्चरी हाउस में रखवाया जाएगा और पूरी पुलिस की तरफ से यानी कि जांच की जाएगी कि आखिर यह बच्चा किसका है और यह बच्चा कट्टे में बंद बच्चे का शव आखिर ट्रैक के पास कैसे पहुंच जाता है। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। सर एक और सवाल, जो मैं कुछ कपड़े देख पा रही हूँ, ये कपड़े कैसे आए, क्या ये कट्टे में ही थे कपड़े? हाँ, कट्टे के अंदर थे ये। कट्टे के अंदर थे कपड़े वगैरह। हाँ जी हाँ जी। क्या लगता है सर, अपहरण का भी मामला हो सकता है? जो हो सकता है बच्चे का पहले अपहरण किया और ये? हाँ बिल्कुल, लगता ऐसे ही है कि इसका देखो तिलक लगा हुआ है माथे पे, सारा कुछ वो नीचे भी डाल रखा है इसने, बच्चे ने क्या बोलते हैं उसको, डायपर लगा रखे है माता पिता के साथ सही। हाँ, सलामत हाँ, बच्चा और उसके बाद उसका अपहरण। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हो सकता है आगे क्या रास्ता, कोई भी बड़ी बात हो सकती है। लेकिन इसकी जांच पुलिस जरूर करेगी। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील की जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं M24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।